मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास सिक्स के साइंस में चैप्टर नंबर सेवन गेटिंग टू नो प्लांट्स के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंसेस बिटवीन रूट्स एंड स्टेम के बारे में, कि रूट्स और स्टेम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इनके हम बात कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं जो सूट सिस्टम है, सूट सिस्टम के बारे में चल रहा था ना लास्ट वीडियो में। सूट सिस्टम में हमने जैसे इसके पार्ट में सबसे पहले पढ़ा स्टेम के बारे में, ठीक है। सूट सिस्टम क्या होता है, जो सॉइल के ऊपर होता है उसको सूट सिस्टम बोलते हैं, सॉइल के नीचे जो होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। आज सूट सिस्टम में हम बात करेंगे लीफ के बारे में। किसके बारे में? लीफ के बारे में। लीफ क्या है? तो लीफ क्या है, एक ए लीफ इज ए फ्लैटन्ड ग्रीन स्ट्रक्चर। क्या है लीफ? एक फ्लैटन्ड ग्रीन स्ट्रक्चर। इन लीफ जो है एक चपटी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको हम लीफ बोलते हैं। और एक कहाँ से होती है? इट अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ ए स्टेम। ये स्टेम के नोड से अराइज होती है या फिर इसकी ब्रांच से निकलती हैं, या और इट्स ब्रांच, और इट्स ब्रांच, और या फिर इसके ब्रांच से निकलती हैं, ठीक है। या तो इसके ब्रांच से निकलेगी या फिर स्टेम के नोड से, ठीक है। अब हम अलग अलग तरह की शेप्स देखते हैं लीव्स में भी, किसी की शेप्स कैसी होती है, किसी की साइज कैसी होती है, किसी की थिकनेस, ठीक है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई लंबी है, कोई छोटी है, ठीक है, कोई ब्रॉड है, कोई बिल्कुल सिकुड़ी हुई है, ऐसे छोटी सी है ना, अलग अलग तरह की लीव्स पाई जाती हैं। और जनरली जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और वे अपना फूड खुद बनाती हैं, ठीक है, जिसका कॉमन फीचर है सभी लीव्स का, शेप साइज ये तो सब सेम अलग अलग होंगे, थिकनेस वगैरह जो भी है ना, मोटाई है, साइज है, शेप है, ये सब अलग अलग होंगे, बट उनके जो कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रीन कलर, लगभग सभी पत्तियों का कलर जो है, सभी लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर में मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि, तो इसके अंदर ये पूरा तो क्या है, लीव्स है, और ये इसका जो लीव्स जिससे जुड़ी होती है वो है, जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से जो लीफ है वो स्टेम से जुड़ी होती है। यहाँ पे स्टेम होगा, ठीक है, इधर स्टेम होगा या ब्रांच होगी, जिस स्ट्रक्चर से लीफ स्टेम या ब्रांच से जुड़ी हुई है उसको तो बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलेंगे? पेटियोल, ठीक है। और इस पत्ती का जो ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, ये ब्रॉड पार्ट, इसको बोलते हैं हम लेमिना, ठीक है, लेमिना, ये पूरा तो जाएगा लेमिना। और
इसके अंदर जो आप देख रहे हैं जैसे कि जो पेटियोल से स्टार्ट हो रही है, ये पेटियोल से ये पूरी एंड तक चल रही है, इसमें बीच में बीचों बीच जो बीचों बीच है ये पूरी एंड तक चल रही है, इसको बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलेंगे इसको? मिड रिब, ठीक है। और ये कुछ जो साइड में निकली हुई है, ठीक है, ये जो साइड में निकली हुई है इनको बोलते हैं वेन। क्या बोलेंगे इनको? वेन। क्या काम करती है ये वेन और मिडरिब? इस लीफ के पूरे पार्ट में वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है वेन, ठीक है, लीफ के पूरे पार्ट में। ये लीफ की स्ट्रक्चर हो गई। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिए, अपने डायग्राम में नोट कर लीजिए, ठीक है, लीफ के बारे में। अब इस मिडरिब और वेन की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जो लीव्स हैं वो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लीव्स आर, सॉरी, लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिडरिब एंड वेन, मिडरिब एंड वेन। वेन और मिडरिब की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर वन है रेटिकुलेट लीव, रेटिकुलेट लीव्स, और दूसरी है पैरेलल वी, जो पैरेलल पैरेलल लीव्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। इनको हम लीव्स या वेनेशन भी बोलते हैं ना, वेन वेन के टाइप हैं, वेन के टाइप के अकॉर्डिंग है ना, वेन जो होती हैं उनके रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। जो रेटिकुलेट लीव्स हैं उनमें जो वेन होंगी, ठीक है, उनको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे, और पैरेलल जो लीव्स हैं उसके अंदर पैरेलल वेनेशन होगी, ठीक है। इन जो वेन होंगे उनके जो वेन के स्ट्रक्चर हैं, रेटिकुलेट लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल लीव्स में पैरेलल वेनेशन। अब किस तरह की स्ट्रक्चर होती है इनकी वो देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन की। किसकी बात करते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन की। रेटिकुलेट वेनेशन किसको बोलेंगे हम, ठीक है? इफ द डिजाइन ऑफ वेन्स, इफ डिजाइन ऑफ वेन्स इज लाइक ए नेट, एक जाल की तरह, ए नेट, एक नेट की तरह होगी, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर जो है एक नेट की तरह होगी, जाल की तरह होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। नेट लाइक स्ट्रक्चर, ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब, मिडरिब के दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब इज कॉल्ड, देन द वेनेशन इज, देन दिस वेनेशन, दिस
वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स जैसे कि बात करते हैं एग्जाम्पल्स के, जैसे मैंगो है, पीपल है, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर्स आपने देखी होंगी कि इनमें जो लीव्स होती हैं इनमें जो लीव्स होती हैं ये मिडरिप होती हैं, ठीक है। और जो वेंस निकली होती है वो इस तरह से निकली होती हैं जाल के रूप में, इस तरह से, ठीक है। फिर इनसे निकली होंगी और भी, इस तरह से काफ़ी सारी वेंस निकली होती है इसमें। ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन, और एग्जाम्पल इसके मैंने दे दिए मैंगो, पीपल एट्सेट्रा, ठीक है। सेकंड देखिए हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल वेनेशन की। पैरेलल वेनेशन की बात करते हैं, क्योंकि पैरेलल वेनेशन की हम बात करते हैं इसमें किसको बोलेंगे, इफ द डिजाइन ऑफ वेन्स इज पैरेलल टू मिडरिब, किसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, जब जो वेन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी डिजाइन जो मिडरिब है उसके पैरेलल चले, बिल्कुल समानांतर चले, पैरेलल चले, उसको बोलेंगे हम पैरेलल वेनेशन। देन दिस वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। ऐसी बहुत सी लीव्स होती है, देखें जैसे कि आपने देखा होगा व्हीट में, व्हीट का प्लांट है, या फिर मेज मक्के का है, या फिर बाजरे का जैसे कि मिलेट का है, ये इसके अलावा ग्रास का है, घास का, ठीक है, उनमें पैरेलल वेरिएशन होता है। इसे एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल्स मैंने जैसे बोले कौन कौन से, ग्रास है, घास में पैरेलल वेरिएशन होता है, वीट है गेहूं में, मिलेट है बाजरे में, ठीक है, MILET मिलेट एटसेट्रा, इनमें कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका डायग्राम की बात करते किस तरह का होगा, जैसे इनमें तो नेट की तरह पाया जा रहा है, ठीक है, ये तो होता है रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन जैसे कि कुछ लीव्स होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लीव्स बना रहा हूँ, जैसे कि एक लीव जो है ये लीव जो है पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स होती हैं वो इसके पैरेलल चलती हैं, बिल्कुल इस तरह से चलेंगे पैरेलल, ठीक है, ऐसे ही। इस तरह से चलेंगे, इनको बोलते हैं हम पैरेलल वेनेशन। इसमें तो जैसे जाल की तरह फैली हुई है, ठीक है, इस तरह से निकल के, और इसमें नीचे से निकलेंगे वेन्स, इसमें मिडरिप से निकलती हैं, इसमें नीचे से निकलती हैं, ठीक है, और पैरेलल चलती है इसमें तो, पैरेलल में तो, और
और रेटिकुलेट में जाल बना लेती हैं एक तरह का, इस तरह की स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है। यह होता है पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेसर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन शॉट ले करके अंडरस्टैंड करते रहिए, एंड इसको राइट कर अपने नोटबुक में स्क्रीन शॉट ले करके राइट करना है आपको।